Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and today's video is going to be a haul video. So if you're someone who is interested, then keep on watching the video. First, let's start with this Isntrica Green Tea Emulsion and ये मैंने purchase किया एक skincare thrift store से. तो आपने clothing के thrift store सुने होंगे जहाँ पे लोग अपने used क्लोथ्स बेचते हैं जो अच्छी कंडीशन में होते हैं या न्यू क्लोथ्स भी बेचते हैं थ्रिफ्ट स्टोर पे, तो वही होते हैं स्किन केयर थ्रिफ्ट स्टोर पे. तो वहाँ पे आपको यूज्ड और अनयूज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट प्राइस. तो मैंने वहीं से ये परचेज किया है एंड आई नो काफ़ी ज़्यादा फेक हो सकती हैं, तो मैं आपको मेंशन कर दूँ क्योंकि मैंने अपने दो प्रोडक्ट्स सेल भी किए हैं स्किन केयर थ्रिफ्ट में ही. मैंने ये टोनर भी सेल किया है, प्लस मैंने वो फॉर्मूला आरएक्स की क्रीम यू नो बैरियर प्लस वाली वो भी मैंने सेल कर दी बिकॉज यू नो मेरे लिए काम नहीं किए. एंड मैं आपको दोनों स्टोर्स के लिंक नीचे दे दूंगी. फ्लाइट जा रही है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. एंड टॉकिंग अबाउट दिस वन, एज यू गाइस कैन सी मैंने इसको इतना यूज कर लिया है, एक्चुअली 10% यूज था. यू नो एज आई सेड यूज्ड और अनयूज्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एंड आई थिंक लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एमआरपी, इसका कितना एमआरपी है. आई थिंक मे बी 1100-1200 इसका एमआरपी होगा, बट मुझे ये 650 पे पड़ गया था और प्लस 10 ml यूज था इसमें, 10% यूज था. एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्चर, मैंने इसको ऑलरेडी अपने लेजी स्किन केयर वाले वीडियो में दिखाया है आपको एंड दिस इज हाउ द टेक्स्चर लुक्स. काफी ज्यादा लाइट वेट है, स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है अगर आपको रेडनेस है. सो दिस वन एक्चुअली वर्क्स. जो टोनर था उसने तो कुछ खास काम नहीं किया, बट दिस वन इज एक्चुअली सूदिंग एंड कामिंग. बट लेट मी नो इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं बना दूंगी. नेक्स्ट आई परचेज 5 प्रोडक्ट्स फॉर माई फार्मेसी वीडियो. सो यू गाइज नो मैं फार्मेसी के वीडियोज बनाती रहती हूँ जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ फार्मेसी से. सो मेरा एक वीडियो है दैट इज बिलो 250 rupees, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब 250 के बिलो हैं. देन अनदर वन इज 350 के बिलो, उनका एमआरपी सबका 350 के बिलो है. एंड ये जो थर्ड पार्ट होने वाला है इसमें 500 के बिलो आने वाला है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक थोड़ा डिले हो सकता है इस वीडियो में बिकॉज आई विल बी गोइंग बैक टू मुंबई फॉर माई फाइनल एग्जाम्स. सो टॉकिंग अबाउट दिस वन, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस रेजुश्योर के ग्लाइकोलिक एसिड पैड्स. एंड टू बी ऑनेस्ट द फ्रेग्रेंस इज क्वाइट ओवर पावरिंग. आई थिंक इसका एमआरपी इज 250 rupees एंड ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया फ्लैट 50% ऑफ में मेरी मम्मी का नंबर यूज करके. एंड दिस इज हाउ द कैसे करते हैं एंड दिस इज हाउ द पैड्स लुक. एंड टू बी ऑनेस्ट ये पैड का साइज थोड़ा छोटा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था थोड़ा बड़ा आएगा, बट चलता है. इसमें 50 pads है, मैंने अभी तक एक ही यूज किया है. सो आई विल बी यूजिंग इट फॉर यू नो थोड़ा ज्यादा टाइम. एंड मैं इसको फेस पे यूज नहीं कर रही, मैं इसको अपने बॉडी पे यूज कर रही हूँ लाइक माई अंडर आर्म्स, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड ओडर कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है. एंड आई वुड से समर्स आ चुके हैं तो काफी ज्यादा ओडर का इश्यू होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू. ये आपको मेरे हेयर केयर वाले वीडियो में ऑलरेडी आपने देख लिया होगा एंड दिस इज सो गुड. एंड इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी इन दैट फार्मेसी वाला वीडियो. एंड द नेक्स्ट इज दिस मोस्ट हाइप्ड अप फेस वॉश. यू नो काफी सारे लोग बोलते हैं दिस इज माई होली ग्रेल, आई लव इट. लाइक फार्मेसी प्रोडक्ट्स एज समाप्ति सेट दो ही चीज होती है, या तो यू एब्सोल्युटली लव इट या और यू एब्सोल्युटली हेट इट. लाइक मिडिल में कुछ नहीं आता, नहीं आपको या तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है या बहुत ही बकवास है आपके लिए, मिडिल में कुछ नहीं है. सो लाइक आई विल लेट यू गाइज नो मेरे लिए कैसा काम किया है एंड ऑल. एंड द नेक्स्ट वन इज दिस यूवी डॉक्स सनस्क्रीन. ये भी बहुत ज्यादा हाइपडब्ड है, मैंने काफी ज्यादा सुना है इसके बारे में बट दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग. एंड दिस वन कंटेन्स ऑक्सीबेंजोन. तो काफी लोग यू नो बोलते हैं ऑक्सीबेंजोन के लिए हार्मफुल एंड ऑल, बट काफी डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं ऑक्सीबेंजोन. सो लाइक इट्स अप टू यू. एंड जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, सब यही बोलते हैं अगर ऑक्सीबेंजोन आपके लिए काम कर रहा है, कुछ भी इरिटेशन नहीं दे रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट. बट अगर हो रहा है आपको इरिटेशन एंड ऑल, देन आप स्किप कर सकते हैं. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस मोस्ट रिक्वेस्टेड अगेन मोस्ट हाइप्ड अप प्रोडक्ट इज द सिप्ला का एक्सेला मॉइस्चराइजर. एंड इसमें सेकेंड इन्ग्रीडियंट ही नायसिनमाइड है एंड इसका टेक्सचर भी मैं आपको उसी वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि वो उसी से रिलेटेड होने वाला है सारा. सो फर्स्ट ट्राई से एक तो मैंने वो रेजुश्योर के पैड्स लिए थे, देन मैंने ये रीस्टॉक की अपनी रिक्विल की ब्लू वाली सनस्क्रीन बिकॉज एज आई सेड आई विल बी गोइंग बैक टू मुंबई एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द सनस्क्रीन्स विच आई ट्रस्ट एंड आई लाइक. तो मैं इसी को लेके जाने वाली हूँ. लाइक मैंने इसको ओपन तो कर लिया बट अभी तक यूज नहीं किया है क्योंकि मैं मिनिमलिस्ट नॉल वाली नो घर पे ही हूँ तो उन्हीं को खत्म कर रही हूँ. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई परचेज इज दिस प्लम का एवोकाडो वाला हेयर मास्क. काफी सारे लोगों ने इसके बारे में अच्छी बातें की, मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. फ्रेग्रेंस ओवरपावरिंग नहीं है विच इज अ गुड थिंग. सो आई विल लेट यू गाइज नो ये कैसा काम कर रहा है. एंड दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स. मैंने आज ही अपने हेयर वॉश किए हैं एंड थोड़े अच्छे लग रहे हैं बट आई नो कल ये जैसे कि तैसे हो जाएंगे. एंड द लास्ट थिंग विच आई ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट क्राई हैज टू बी माई फेवरेट, दैट इज दिस मिनीसो का ट्रैवल साइज किट सॉर्ट ऑफ. तो आप है ना, इसमें ना आपको 7 pieces मिलती हैं, इवन दो इट सेज
8 पीसेस बट इसमें 7 पीसेस ही हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज दिस. सो एज आई सेड यू नो आई बी गोइंग बैक टू मुंबई, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसमें अपना शैम्पू डाल लूँ एंड देन इसमें मैं अपना कंडीशनर डाल लूँ. इसकी बॉटल ऐसी है, ऐसा लाइक आपको प्रेस करके खोलना है, आप इसको पोर कर सकते हो क्योंकि शैम्पू कंडीशनर की बॉटल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती हैं. एंड थर्ड ये छोटी छोटी आ जाएगा स्किन सी, ये 3 है, इनका तो पता नहीं मैं इनमें क्या ही डालूंगी. ये 12 ml ओके, ये तीनों 12 ml की हैं. तो इनमें आई थिंक मैं अपना एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू डाल लूंगी क्योंकि यू नो मैं उसको उतना यूज़ नहीं करूँगी और मैं 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ. तो आई थिंक मैं इन तीनों में ही वो शैम्पू डाल लूंगी. एंड द लास्ट वन इज दिस स्प्रे वाली बॉटल, एंड इसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट डाल दिया जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस. मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको लेके. टू बी ऑनेस्ट जब ऑर्डर प्लेस हो गया था आई वाज लाइक कैंसिल कर दूँ क्या, क्यों ही लेना, कहाँ काम आएगा एंड ऑल. बट देन यू नो जब ये डिसाइड हो कि मुझे बॉम्बे जाना है तो आई वाज लाइक अब काम आएगा ना. एंड प्लस इसके साथ आपको ये भी मिलता है एक बीकर सॉर्ट ऑफ, तो आपको इसको खोलना है, ऐसे करना है, फिर अपना प्रोडक्ट पोर करना है, तो कहीं पे भी वो निकलेगा नहीं, गिरेगा नहीं. सो लाइक दिस इज रियली गुड. पहले तो मुझे प्राइस ही लगता था क्योंकि 190 का है इतना सा, माय मॉम वाज लाइक खाली बॉटल तो 190 की खरीद रहे हैं ना. बट फर्स्ट क्राइक पे आप वो कूपन कोड यूज करके आपको आराम से 50% ऑफ मिल जाएगा. मेरे को 103 रुपये का पड़ा ये. सो लाइक दिस इज रियली गुड. सो सबलाइम लाइफ की भी वुमेंस डे सेल थी एंड वहां से भी मैंने 2 products परचेज किए. सो द वेरी फर्स्ट वन इज दिस फॉक्सटेल का डेली डू इट जेंटल क्लेंजर एंड आई एम इन लव विद दिस क्लेंजर. लाइक इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ दिन और रात दोनों एंड दिस इज सो गुड. मेरा आई वुड से मेरा स्किन बैरियर रुइन हो गया था एक फार्मेसी वाले प्रोडक्ट की वजह से, तो उसके बाद से इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन लव. एंड एक चीज़ लाइक दिस इज नॉट रिलेटेड टू द वीडियो बट आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज, दैट इज बोरोलिन. सो बेसिकली हुआ क्या, मेरा स्किन बैरियर रुइन हो गया तो मैंने बस ये फेस वॉश एंड बोरोलिन, मैंने बोरोलिन बस 2 ही दिन लगाए क्योंकि उसके 3rd day बाद मुझे टाइनी बम्स लग रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली नो आई हैव ऑयली स्किन एंड अगर मैं बोरोलिन लगाऊं तो ब्रेकआउट्स के चांसेस हैं. तो इसीलिए आई वुड से 2-3 दिन मैंने बोरोलिन अच्छे खासे से लगाई अपने फेस पे, अपना ये वाला एरिया छोड़ के ना, ये जो पोर वाला एरिया है ना जो नाक के एकदम पास में, इस वाले एरिया को छोड़ के मैंने पूरे यहाँ पे लगाई एंड इंस्टेंटली मेरी जो रेडनेस थी उसको एकदम सूथ कर दिया. बट अभी मैंने उसको बंद कर दिया बिकॉज आई नो यू नो वो ब्रेकआउट्स हो सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन. सो दिस क्लेंजर इज सो गुड. मैं आपको इसका टेक्सचर एंड ऑल बाद में दिखाऊंगी. एंड ये कितने का था, ये 450 rupees का था एंड आई थिंक ये भी कुछ डिस्काउंट पे था, उतना डिस्काउंट नहीं आता. इट इज़ अ न्यू ब्रांड, फॉक्सटेल इज अ न्यू ब्रांड एंड मैंने इसको सबलाइम लाइफ से ही लिया है एंड आई एम लविंग इट. इसमें फ्रेग्रेंस आई थिंक लास्ट इंग्रेडिएंट है, उतनी ओवर पावरिंग नहीं है. ये फोम अप उतना ज़्यादा नहीं होता बट फिर भी क्लीन कर देता है एंड प्लस ये मेकअप भी हटाता है इवन दो आई डबल क्लेंस, बट ये बोलता है कि मेकअप भी हटा देता है. तो जब भी मैं वाटरप्रूफ सनस्क्रीन नहीं पहनती लाइक डर्माकोक हाइलुरोनिक एसिड वाली या मिनिमलिस्ट वाली, तो मैं खाली इसी को यूज़ करती हूँ. And the next thing which I got from Sublime Life is this one thing ka toner. So this is propolis plus honey extract. And to be honest, मैं इसका Centella Asiatica वाला लेने वाली थी because उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं बट उतने भी अच्छे नहीं सुने क्योंकि मैंने मिक्सड रिव्यू सुने हैं. देन आई सॉ सुगंधा's वीडियो एंड उसमें उन्होंने बात की है इसके बारे में भी एंड वो Centella Asiatica वाले के भी बारे में एंड उनको ये ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग एंड यही है लाइक मैंने इसको इतना यूज़ नहीं कर लिया, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया क्योंकि इट्स सो ईजी टू यूज़ यू नो. क्योंकि आई मीन पैकेजिंग इन ऑल इज़ फाइन बट स्टिल यू नो हाथ पैसे लेके लगाने से 100 गुना बेटर मुझे लगता है स्प्रे करना, तो मैं डायरेक्टली स्प्रे कर लेती हूँ. एंड ये जो टोनर है ना इसके एग्जैक्ट पानी जैसा टेक्स्चर नहीं है, लाइक जो कीप कूल वाला टोनर है इसका टेक्स्चर वैसा नहीं है. ये आई वुड से थोड़ा सीरम और एसेंस के बीच में आते हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ. लाइक आई डोंट नो इस पर इतना विजिबल हो गया एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एंड एज यू गाइस कैन सी जल्दी से नहीं गया एंड दिस इज एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग. जब आप इसको फेस पे स्प्रे करोगे तो आपको यू नो वो फील होगा एंड मैं इसको स्प्रे करती हूँ और मैं 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ. लाइक आई हैव बीन एंजॉइंग दिस. सो लेट मी नो योर एक्सपीरियंस विद दिस एंड लेट मी नो अगर आपको इसका या किसी और भी चीज़ का लाइक फार्मेसी वाले को छोड़ के, क्योंकि उनका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा और किसी का भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी. Also, I've ordered a sunscreen जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है. सो इट्स फ्रॉम अ न्यू ब्रांड कॉल सनस्कूप. सो उनका है ना मुझे ये ट्रायल साइज रिसीव हुआ था. उनके 2 sunscreens लॉन्च हुए हैं अभी तक, दैट इज एक उनका क्रीम वाला है एंड एक इनविजिबल वाला है. लाइक वो जो जेल है वो एकदम इनविजिबल है एंड इसको आई थिंक मैं इसको अच्छा खासा यूज कर चुका है मैंने एंड दिस इज हाउ द टेक्स्चर लुक. इट लुक्स लाइक रिक्विल जैसा बट रिक्विल का आई वुड से थोड़ा थिक सिलिकन है एंड इसका जो सिलिकन है वो थोड़ा लाइट है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ऑर्डर नहीं करने वाली थी बट देन आई सॉ लाइक रियली गुड रिव्यूज़. उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर दिए प्रोटेक्शन वाले एंड मुझे ना मैं इनके ट्रायल का वो थी ना एक हिस्सा सॉर्ट ऑफ, तो उन्होंने मुझे 500 का कूपन कोड भी भेजा. तो वो सनस्क्रीन मुझे कितने की पड़ी हुई, आई थिंक वो 675 या
680 तक की थी और 500 का मुझे डिस्काउंट कोड प्लस मुझे 180 तक की पड़ गई थी, इसीलिए मैंने परचेज कर ली। एंड वो 40 ग्राम्स थी एंड ब्रांड का नाम है सन स्कूप, जैसे मैंने नीचे लिखा है ना। फॉर माई हॉल वीडियो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड लेट मी नो आप इनमें से किस किस का रिव्यू देखना चाहते हैं एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन सारे प्रोडक्ट्स में, यू नो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है एंड ऑल, जो भी आपको बोलना है प्लीज कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट करना हो कमेंट कर देना, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करना हो ये भी कर देना, बट प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।